Good morning, students. How are you? I hope you all are okay at your home and we continue your study. And fifth class में आज हम लेके आए हैं EVS का जो chapter हमारा चल रहा था seed becomes plants, यानी बीज से पौधा बनना. Chapter number 6. इसका previous video हम पढ़ चुके थे. अब हम सेकंड वीडियो इसका आज क्लासरूम में पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ से हम रीड करेंगे डू यू नो पेज नंबर 47. ओके, ओपन योर बुक्स एंड लेट अस रीड. मनी प्लांट्स आर मेनली यूज्ड एज इंडोर प्लांट्स बिकॉज ऑफ द फॉलाइट एंड रैपिड ग्रोथ. मनी प्लांट्स जो होते हैं आपने देखे होंगे, मनी प्लांट्स हम घर में लगाते हैं बॉटल्स आदि में, छोटे छोटे पॉट्स में. वो क्या होते हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं. उनको घर के अंदर ही लगाया जाता है क्योंकि उनकी जो ग्रोथ होती है बड़ी रैपिड ग्रोथ होती है, यानी तीव्र गति से बढ़ते हैं वो. दे आर नॉन फॉर देयर राउंडेड कॉइन लाइक सीड पॉट्स. वो राउंडेड उनकी जो कॉइन लाइक सीड पॉट्स होते हैं उसके लिए जाने जाते हैं. दीज हार्डी प्लांट्स थ्रिव विद मिनिमम ऑफ फर्स अपार्ट फ्रॉम गिविंग अ ब्यूटिफुल ग्रीन ह्यू इन द इंटीरियर्स. और हमारे हाउस के अंदर की जो इंटीरियर है उसको वो ब्यूटिफुल बनाते हैं, ग्रीनरी देते हैं हमारे घर के अंदर. फाइंड आउट एंड टेल विच आर द प्लांट्स विच ग्रो विदाउट सीड. आप ये सर्च करें कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो बिना सीड के ग्रो करते हैं. हम उनके बारे में रीड कर चुके हैं. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो. What is the process of grafting? Name the plant which grows through its leaf. यानी आपको इनके नेम देने कि कौन सा प्लांट सीड से ग्रो करता है, कौन सा प्लांट लीफ से ग्रो करता है, और इनकी ग्राफ्टिंग की क्या प्रोसेस है, यानी इनको बाउंड प्लांट्स को कैसे बाउंड किया जाता है, बांधा जाता है, और किस तरह से उनका कौन सा प्लांट ग्रो करता है, सॉरी कौन सा पार्ट उनका ग्रो करता है. इस तरह से हम आगे पढ़ते हैं. अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है डिस्पर्सल. डिस्पर्सल होता है फैलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना. जमुना वाज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल. जमुना ने देखा कि टेम्पल की वॉल पर एक पीपल ट्री उग आया है. वो बड़ी सरप्राइज हुई. शी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री. वो बड़ी आश्चर्यचकित थी कि पीपल, ये टेम्पल की दीवार पर पीपल किसने उगाया. कभी कभी देखते हैं ना हम दीवारों में भी प्लांट्स उगाते हैं. तो फिर उसने अपने फादर से पूछा. ही सेड टू हर थ्रो बर्ड्स एंड पिजन्स सीड्स रीच देयर. तो पिताजी ने उसको क्या बताया कि बर्ड्स और पिजन्स के द्वारा जो सीड्स हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं. सीड्स आर डिस्पर्स्ड अवे बाय विंड. और विंड भी जो हवा होती है वो भी इनको एक जगह से दूसरी जगह उड़ा ले जाती है. जैसे प्लांट्स के सीड्स हैं, कहीं पर पक्षी बैठे, पिजन्स बैठे, उनके पैरों में चिपक जाते हैं वो सीड्स, और दूसरी जगह जा कर के जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पर उनको छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. विंड जो चलती है हवा, और जो वाटर होता है वाटर बर्ड्स जो पानी के पक्षी होते हैं, और एनिमल्स, ये सभी जो लोग हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और विंड, ये क्या करते हैं, जब विंड भी अपने साथ बीजों को बहा के ले जाती, उड़ा के ले जाती है, बर्ड्स और एनिमल्स भी जहाँ पर कहीं बैठते हैं तो वो बी जो सीड्स होते हैं वो उनके बॉडी के चिपक जाते हैं या वो उनकी बीक्स में ले लेते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह जहाँ वो जाते हैं प्लेस टू प्लेस वहाँ पर छोड़ देते हैं. तो इस तरह से बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. और इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. ओके, अब हम चलते हैं आगे. वेयर हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग एक्सेप्ट ऑन लैंड. आपने देखा है कि लैंड के अलावा भी कहीं और जगह प्लांट्स ग्रो करते हैं, देखे होंगे कई जगह. अब हम रीड करेंगे प्लांट्स फ्रॉम एब्रोड. एब्रोड मीन्स विदेश से लाए जाने वाले. एब्रोड मीन्स बाहर से, इंडिया से बाहर से लाए जाने वाले प्लांट्स कौन कौन से हैं जो आए हैं हमारे इंडिया में फॉर बिजनेस पर्पज, व्यवसाय के पर्पज से, यानी बिजनेस के उद्देश्य से. मैनी पीपल ट्रेवल टू अदर कंट्रीज. लोग दूसरे देशों की यात्रा करते हैं.
मैनी पीपल टेक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वाइल ट्रेवलिंग, और कई लोग एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स और एनिमल्स लाते हैं जब वो ट्रेवलिंग करते हैं। द फॉलोइंग प्लांट्स केम टू अवर कंट्री फ्रॉम द अदर कंट्रीज, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे कंट्री में इंडिया में अदर कंट्रीज से आए हैं। ड्यू टू पीपल सेटलिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, किसके कारण लोग जब दूसरे प्लेसेस पर सेटल हो जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, दीज प्लांट्स आल्सो रीच डिफरेंट प्लेसेस, तो ये प्लांट्स भी उनके साथ डिफरेंट प्लेसेस में चले जाते हैं। लर्न इन द फॉलोइंग टेबल दैट विच प्लांट केम हियर फ्रॉम विच प्लेस, आइए हम देखते हैं इस टेबल में कि कौन सा प्लांट हमारे इंडिया में कौन से कंट्री से आया है, कौन सी जगह से आया है। तो इस तरह से हम कई कंट्री में बस जाते हैं अदर जगह जाके, तो वहाँ के प्लांट्स हम अपने कंट्री में भी लाते हैं कि देखें वहाँ पर हमारे होते हैं नहीं होते हैं, ये ग्रो करते हैं नहीं करते हैं, या इस तरह का रोज फ्लावर्स या इस तरह का जो फ्रूट है या वेजिटेबल है ये हमारे कंट्री में भी होना चाहिए तो हम ले आते हैं ना बाहर से। इसी तरह से हमारे यहाँ पर टी आई, टी कहाँ से आई, चाइना से, चाय हम जो पीते हैं। कॉफ़ी आई अफ्रीका से, लेडीज फिंगर आई अफ्रीका से, कॉलीफ्लावर यूरोप से एंड पी यूरोप से। तो कई ऐसे प्लांट्स हैं जो हम एब्रॉड से लाए हैं हमारे इंडिया में। अकॉर्डिंग टू द टेबल राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड द आइटम्स इन द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना है, जो जिस कंट्री से जो आइटम आया है वो यहाँ पर फिल करना है, आपके जो ये मैप दिया हुआ है कि कहाँ से क्या चीज़ आई है, एशिया यूरोप अमेरिका लिखा हुआ है ना इसमें, अफ्रीका, तो आप इसको फिल करें। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, इंस्ट्रक्शन टू द डिस्कस विद स्टूडेंट्स अबाउट द सीड कलेक्टेड, प्लांट्स आर ग्रोन बाय सीड्स, स्टूडेंट्स जो सीड कलेक्ट किया जाता है उसी से प्लांट्स ग्रो करता है। सीड्स आर यूज फॉर ईटिंग आल्सो, बीजों को खाया भी जाता है। सम सीड्स जर्मिनेट इन पर्टिकुलर कंडीशन ओनली, कुछ सीड्स एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही जर्मिनेट होते हैं यानी अंकुरित होते हैं। टीचर शुड शो द वर्ल्ड मैप इन द क्लास एंड गेट इट मार्क बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड द मेजर आइटम्स ग्रो देयर। इन 1807 द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया ब्रॉट लेंटाना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड प्लांटेड इट इन अ गार्डन इन कैलकटा नाउ कोलकाता। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए 1807 में, तो एक लेंटाना नाम का प्लांट अपने साथ लेकर आए साउथ अमेरिका से, और उन्होंने उसको कैलकटा के गार्डन में प्लांट किया, आजकल उसको कोलकाता बोला जाता है। इन 1830 ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट अ यूकलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और 1830 में एक ब्रिटिश ऑफिसर आए जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, और वो अपने साथ यूकलिप्टस का प्लांट लेके आए, सफ़ेदे का, जो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना, और उन्होंने उसको प्लांट किया कहाँ पर, नीलगिरी हिल्स में तमिलनाडु में। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड नीलगिरी, और इसको इसी कारण से इस प्लांट को क्या नाम दिया गया, नीलगिरी। इन 1950 इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम अमेरिका, 1950 में इंडिया ने अमेरिका से वीट यानी गेहूँ इम्पोर्ट किया। द वीट स्टॉक कंटेंट सीड्स ऑफ गाजर घास टू एंड दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरी, और जो वीट हमने इम्पोर्ट किया बाहर से अमेरिका से, वो अपने साथ सीड्स लेके आया किसके, गाजर घास के, यानी कैरेट ग्रास जिसको बोलते हैं, जिसको हम खरपतवार भी बोल सकते हैं, वो अपने साथ लेके आया, और वो जो कैरेट ग्रास है वो सारे इंडिया में अननेसेसरीली फैल गई, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, ये एक बीमारी के रूप में आ गई प्लांट्स की। अब हम रीड करते हैं आगे, डू दिस आल्सो, ये आपके करने के लिए है, पेस्ट अ वर्ल्ड मैप इन योर नोटबुक एंड मार्क वेरियस कॉन्टिनेंट्स ऑन इट, वेरियस कॉन्टिनेंट्स को आपको उसमें मार्क करना है आपके वर्ल्ड मैप में। अलोंग विद दिस आल्सो मेंशन फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट विच फूड आइटम एंड प्लांट्स वर ब्रॉट इन इंडिया, जैसे ये इधर मैप दिया हुआ है ना वैसे ही आपको उसमें बताना है कि कौन से कॉन्टिनेंट से कौन सा हमारा प्लांट आया है। यह है यूकलिप्टिस
ये है लेंटाना, ये है कैरेट ग्रास जो हमारे एब्रोड से आई हैं। विच ऑफ द प्लांट फाइंड आउट एंड टेल, आप सर्च करिए और बताइए विच ऑफ द प्लांट हैव यू सीन अराउंड यू, आपके आसपास कौन कौन से प्लांट्स आप देखते हैं। बाय रीडिंग बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी फाइंड आउट अदर स्टोरीज अबाउट द जर्नी ऑफ द प्लांट्स एंड सीड्स, जहाँ पर भी आपको इनके बारे में नॉलेज मिले वहाँ से कलेक्ट करके आप इसको बढ़ाएं। तो बेटा ये हमारा जो सेकंड पार्ट था 6th चैप्टर का वो फिनिश होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको घर पे फिर रीड करें, वीडियो देखें, रीड करें, और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कॉल बैक करें या कमेंट करें। ओके, गुड बाय आज के लिए बेटा, फिर मिलेंगे।